नमस्कार, मैं योगेश राणा। 1 जुलाई को महाराष्ट्र में उठापटक हुई, राजनीतिक उठापटक। अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी और बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए अपने सहयोगियों के साथ। और आज 22 जुलाई है, बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीतिक दलदल में दस्ती ही जा रही है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। ये बहुत ही साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। अब खबर आई है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि यह बात 2 जुलाई से लगातार कही और सुनाई जा रही है। अब यह बात किसी पराये ने नहीं कही है, यह बात एनसीपी के एक विधायक और अजीत पवार खेमे के अमोल मिटकरी ने कही है। वो एनसीपी के प्रवक्ता भी है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ, बीजेपी महाराष्ट्र में बुरी तरीके से फंसी हुई है और वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रही है। यह इसका प्रमाण है कि अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद भी अगर यह खबर आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बीजेपी को चिंतित कर रहा है। और पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री से 22 दिन के भीतर भीतर ही मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर एनसीपी के प्रवक्ता की बात को ही गंभीरता से ले लिया जाए तो, और सवाल तो यह भी है कि आखिर बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को लेकर आई, वो फेल हो गए, और अजीत पवार को लेकर आई और अजीत पवार भी अब फेल होते हुए दिख रहे। यह बात कहने के पीछे भी एक ठोस वजह है। आप ध्यान दीजिए, अभी एक हफ्ते में 3 खबरें आई है और पहली बड़ी खबर यह आई है महाराष्ट्र की। अजीत पवार दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले लगातार 3 दिन शरद पवार से मिले। जिस दिन दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली थी, उसी दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, जिसमें विपक्षी दलों की एकता के लिए जो मोर्चा बना उसका नाम इंडिया रखा गया। अजीत पवार मंगलवार को जो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन इससे पहले शनिवार को अजीत पवार अपनी चाची शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत के बारे में जानकारी लेने गए, यानी मिलने गए। इस मुलाकात पर अजीत पवार ने कहा कि राजनीति अलग है और परिवार अलग है। इसके बाद अगले ही दिन रविवार को अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले। इस मुलाकात पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम तो माफ़ी मांगने गए थे, हमने पहले माफ़ी मांगी, इसके बाद समर्थन और आशीर्वाद भी मांगा। और इसके अगले ही दिन यानी सोमवार को एक बार फिर अजीत पवार अपने विधायकों के साथ शरद पवार से जाकर मिलते हैं। अब जब माफ़ी पहले मांगी ही जा चुकी है, एक दिन पहले ही मांगी जा चुकी है, तो फिर दोबारा क्यों माफ़ी मांगने वहाँ पर पहुँचे? पहले दिन मंत्रियों के साथ पहुंचे, अगले दिन अपने खेमे के विधायकों के साथ पहुंचे। ऐसा क्या बात है कि माफी मांगनी पड़ रही है और आशीर्वाद मांगना पड़ रहा है, और विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग अलग जाना पड़ रहा है? इस मुलाकात को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजीत पवार और विधायक शरद पवार साहब से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, हमने शरद पवार साहब से अपील की है कि पार्टी एक साथ रहनी चाहिए। पार्टी को तोड़ा किसने था? शरद पवार ने पार्टी को तोड़ा नहीं था। और शरद पवार से अगर ये कहा जा रहा है कि पार्टी एक साथ रहनी चाहिए, तो ये कमाल की बात है। 22 दिन बाद सारे आकलन करने के बाद माफ़ी मांगने और आशीर्वाद लेने के बारे में विचार किया गया है, यह सोचा समझा जा सकता है। क्या महाराष्ट्र की जनता यह सब बातें सोचती समझती नहीं होगी? दरअसल आपको याद होगा, मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। अब मीडिया में कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अजीत पवार शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। और यही बात मीटिंगों के बाद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल कहते हैं। वैसे तो इसको लेकर कई मीडिया हाउस ने खबरें चलाई है, लेकिन अगर खबरों पर ध्यान भी नहीं दिया जाए तो भी यह तो बड़ी मोटी सी बात है कि अगर कोई किसी से 3 दिन तक लगातार माफी मांगने जाता है, तो इसके पीछे कुछ गंभीर बात ही रही होगी, और वो भी किसी कांड को करने के 22 दिन बाद। ऐसा तो तभी होता है जब कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, कुछ आकलन लगाए जाते हैं, और इसके बाद इन अनुमान और आकलन से कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं? और फिर माफ़ी मांगने के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक में अजीत पवार शामिल हुए, क्योंकि यह बात खुद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बताई है कि शरद पवार मीटिंगों के दौरान खामोश रहे, उन्होंने ना माफ़ी पर कोई
प्रतिक्रिया दी है और ना ही आशीर्वाद पर कोई बात कही है, वो कुछ बोले नहीं है, यानी माफ़ी और आशीर्वाद दोनों ही नहीं दिए हैं। अगर दिल में इतनी ही माफ़ी अजीत पवार के उमड़ रही थी तो शरद पवार के पैरों में गिरकर कह देना चाहिए था कि साहब गलती हो गई, जब वो कुछ बोल नहीं रहे थे। कह देना चाहिए था कि मैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आ जाता हूँ, जहाँ से चला था वहीं पर लौट आता हूँ। लेकिन यहाँ तो खबर अब यह आ रही है अजीत पवार खेमे की तरफ से ही कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल अजीत पवार के साथ साथ बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी उलझन में उलझ गई है कि उनको कुछ रहा सूझ नहीं रही है। आप एक और आंकड़े और एक और बयान पर गौर कीजिए। अजीत पवार का कहना है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं, एनसीपी के पास कुल 54 विधायक है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान जो आंकड़े उभर कर सामने आए हैं, अजीत पवार के खेमे में केवल आधिकारिक तौर पर बस 24 विधायक ही दिखे हैं। इसको लेकर भी मीडिया रिपोर्ट आई है, विधानसभा में एनसीपी के केवल 12 से 16 विधायक सत्ता पक्ष की ओर बैठे दिखे, जबकि 12 से 14 विधायक विपक्ष की ओर बैठे दिखे। बाकी विधायक सामने आने से बच रहे हैं, ये विधायक ना तो अजीत पवार से मिल रहे और ना ही शरद पवार से मिल रहे सार्वजनिक तौर पर, यानी कैलकुलेशन देखे जा रहे, समझे जा रहे, अनुमान लगाए जा रहे, यानी कुछ चल रहा है। इसको समझा जा सकता है कि हालात अभी इतने साफ नहीं है जितने दिख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कोहरा है जो कि साफ होना बाकी है। अंत में एक और बात, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा राजनीति के बड़े खिलाड़ी है, यह बहुत से लोग कहते हैं और यह प्रमाणित भी होता रहा है बार बार। 1999 से लेकर 2019 तक उनका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं है, जबकि इस दौरान शरद पवार के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी का वोट 17% से लेकर 22% के बीच में ही रहा है, यानी वो राज्य की एक बड़ी राजनीतिक ताकत है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में करीब 2.3 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं और उनसे जुड़े हुए करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इन पर शरद पवार की बड़ी मजबूत पकड़ है। यह पकड़ बीजेपी के पास तभी आएगी जब इस पकड़ पर शरद पवार ढील छोड़ेंगे, जब शरद पवार इस पर ढीले पड़ेंगे, यानी अजीत पवार को माफ़ करेंगे या अजीत पवार के पीछे खड़े होंगे या सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देंगे। वैसे तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर 42 जीती थी और यह इस बार ये जो 42 का आंकड़ा है छूना बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में दिन में तारे तोड़ने जैसा साबित हो सकता है। अभी के हिसाब से बाकी समय के साथ महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में बदलेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।